my channel. My name is Anjali and you are watching The Captain NJ. So in today's video, I'm going to share a recipe called Ragi Poha. I know आपने normal पोहे बहुत खाए होंगे अपनी life में, लेकिन मैं ये थोड़े से different तरह के पोहे हैं जो मैं अपने channel पे share कर रही हूँ. इसी से related मैंने already दो video अपने channel पे post करे हैं. First जो मैंने post करा था वो था ज्वार पोहा recipe जो मेरे channel पे already uploaded है, like बहुत time पहले मैंने वो upload करा था. Now the recent recipe that I have shared is again for a बाजरा पोहा recipe जो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं लिंक आपको आई बेल बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज जाके उन वीडियोस को देखिए. बट आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रागी पोहा का रेसिपी. ऑल्सो एक छोटा सा डिस्क्लेमर है गाइज, ये जो पोहे का जो टेस्ट होता है, मतलब ये जो बाजरा ज्वार और ये रागी पोहे का जो टेस्ट होता है वो नॉर्मल पोहे से कम्प्लीटली डिफरेंट होता है. आपको इनके टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा, शायद आपको पसंद ना भी आए, बट डेफिनेटली आपके हेल्थ के लिए और आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है. सो आज के वीडियो में आपके साथ कंप्लीट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ इस पोहे की. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. रागी पोहा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 से 1.5 चम्मच बटर, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा जिंजर जिसको मैंने बारीक चॉप्ड कर लिया था, और थोड़ी सी कड़ी पत्ता, 1 कटा हुआ प्याज, 1 कटा हुआ टमाटर, 1 कटा हुआ फुल शिमला मिर्च, थोड़े से ये काजू हैं, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं, और बारीक कटा हुआ धनिया, एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट 2 से 2.5 कप ये रागी पोहे मैंने लिए हैं. तो चलिए अब इसे बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं. आप देख सकते हैं कि मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल कर रही हूँ और फिर उसे इस तरह से मिक्स कर रही हूँ. नॉर्मल पोहे जब हम खाते हैं तो हम उन पोहों को अच्छे से भिगा देते हैं और एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो हम छान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इन पोहों पर थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल करा है और उनको बस मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया है. एज यू कैन सी अब थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं. अब इसके अंदर मैं मिक्स करूँगी 1 से 1.5 चम्मच शुगर, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं. 1 चम्मच मैंने सॉल्ट मिक्स करा और फिर इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसे मैं ढक कर रख दूँगी और अब हम बढ़ेंगे फ्राई की तरफ. तो इन सब मसालों को फ्राई करने के लिए मैंने सबसे पहले ये बटर कढ़ाई में डाल दिया. अब आप ध्यान रखें कि ये बटर को जलने नहीं देना है, आपने मसाले जो हैं फटाफट इसमें डालने हैं. सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच सौंफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सौंफ आप ज़रूर डालें. फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. नेक्स्ट इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ ये कड़ी पत्ता, और फिर नेक्स्ट इसके अंदर ये जो बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ये बारीक कटा हुआ जो जिंजर था उसे हम इसके अंदर मिक्स करेंगे. अगर आपके पास जिंजर पेस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास वो नहीं अवेलेबल था तो मैंने ये डाला है. नेक्स्ट इसके अंदर मैं मिक्स करूँगी ये काजू, और फिर इन सबको अच्छे से आपने मिक्स कर देना है, और फिर ये जो बारीक कटे हुए प्याज थे उनको भी आपने अच्छे से मिक्स करना है इसके अंदर. थोड़े से ब्राउन होने लगे हैं हमारे प्याज, अब इसके अंदर मिक्स करेंगे हम शिमला मिर्च. नेक्स्ट इसमें ऐड करूंगी मैं ये टमाटर. अब इन सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इन्हें करीब 1 मिनट तक ढक के पकाएंगे. मेक श्योर गैस का फ्लेम आप लो रखें. 1 मिनट हो चुका है, अब हम देखेंगे कि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो कलर में थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी हैं. अब हम इसमें मिक्स करेंगे 1 चम्मच सॉल्ट, एक्चुअली एक नहीं, आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं सॉल्ट. नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच हल्दी, और फिर अगेन इन सबको अच्छे से मिक्स करके ढककर हम रख देंगे करीब 1 मिनट के लिए. यहाँ पर भी आप मेक श्योर करें कि गैस का फ्लेम लो रहे. बीच में आप ढक्कन खोल के एक बार चेक कर लें कहीं वेजिटेबल जो हैं वो जल तो नहीं रही, और अभी आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल अभी भी ठीक से पकी नहीं है. तो मैं इसे 30 या 40 सेकेंड के लिए और ढककर रखूँगी, और अब हम इसे ओपन करके देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये वेजिटेबल सारी पक चुके. मैं यहाँ पर आपको इस तरह से तोड़ कर भी दिखा रही हूँ, सारी की सारी वेजिटेबल अच्छे से पक गई हैं. अब इसके अंदर हमने मिक्स करना है ये रागी पोहा. सबको अच्छे से मिक्स कर दें, ज़्यादा देर आपने नहीं पकाना है इसको, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, वेजिटेबल्स हमारी पूरी तरह से पक चुकी हैं. आपने इसे तब तक पकाना है जब तक इसमें से स्टीम ना निकले, इसके लिए आपको इसे ढककर रखना पड़ेगा कुछ सेकेंड्स के लिए. और अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर से स्टीम निकल रही है, मतलब हमारे जो रागी पोहे हैं वो बन के तैयार है.
तो अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ढक के रख देंगे। और यहाँ पर मैंने इन्हें सर्व करने के लिए इस प्लेट में निकाल दिया है और ऊपर से थोड़े से धनिया और प्याज डालूंगी गार्निश करने के लिए। और ये रहे हमारे रागी पोहे। ओके गाइस, तो इसी सिंपल तरीके से आप इन रागी पोहे को बना सकते हैं। अगर आपके पास घर में अवेलेबल है अभी इस वक्त तो आप डेफिनेटली ट्राई करें। वैसे भी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, लोग नए नए पकवान अपने घरों में ट्राई कर रहे हैं, हर कोई नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा है, इवन मैं भी ट्राई कर रही हूँ। मैंने अब तक न जाने कितनी डिशेज ऐसी ट्राई कर ली हैं जो मैंने लाइफ में कभी नहीं बनाई है। सबकी स्टोरीज आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। अगर आप मुझे वहाँ नहीं फॉलो कर रहे हैं गाइस, प्लीज़ डू दैट। दिस इज माई इंस्टा हैंडल, वहाँ पर आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलेंगे। ऑन दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो राइट हियर। आई होप ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ जो बाजू की घंटी है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि अगली बार जब कोई मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। नाउ आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा।